ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि महाभारत का वन पर्व कहां से शुरू होता है और कहां जाकर खत्म होता है और वन पर्व से पांडवों को क्या क्या लाभ हुआ। अभी जुए के शर्त के अनुसार युधिष्ठिर को अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। युधिष्ठिर ने माता कुंती को विदुर के घर पहुंचा दिया तथा सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर अपने मायके चली गई। पांडव द्रौपदी तथा अपने पुत्र पुरोहित धौम्य के साथ वन को चल दिए। अनेक ब्राह्मण उनके साथ चल दिए। ब्राह्मणों को साथ देकर पुरोहित धौम्य की सलाह पर युधिष्ठिर ने सूर्य की उपासना की और सूर्य देव ने उन्हें एक अच्छे पात्र दिया जिसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। उस अच्छे पात्र से द्रौपदी सब ब्राह्मणों को भोजन कराती थी, फिर पांडवों को भोजन कराती थी और फिर खुद खाती थी अंत में। इस बीच विदुर द्वारा पांडवों की प्रशंसा करने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने यहां से निकाल दिया, पर बाद में जब वो अकेला फील करने लगे तो उन्होंने वापस विदुर को बुला लिया। इधर पांडव अपना जो जीवन है वन में बिताने लगे। व्यास जी पांडवों से मिले और सलाह दिए कि तुम वन में रहकर अपना वक्त व्यतीत मत करो, उससे बेहतर यह है कि तुम दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करो। और दिव्यास्त्र की शिक्षा सिर्फ अर्जुन प्राप्त कर सकता है क्योंकि वही इतना कैपेबल है कि वो दिव्यास्त्र प्राप्त कर सके, क्योंकि युद्ध जो है कौरवों से तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, कि उधर कर्ण और भीष्म पितामह जैसे लोग हैं उनसे जीतने के लिए तुम्हें दिव्यास्त्रों की जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने अर्जुन को सलाह दिया कि तुम दिव्यास्त्र हासिल करो। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान पशुपति से दिव्यास्त्र तथा इंद्र से अमोद अस्त्र प्राप्त करो। व्यास की सलाह पर अर्जुन कैलाश पर पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जटाधारी वृद्ध तपस्वी बैठा है। तपस्वी ने अर्जुन से कहा कि यह तपो भूमि है, यहां कोई अस्त्र लेकर नहीं चलता। अर्जुन ने विनम्र भाव से कहा कि मैं क्षत्रिय हूं। तपस्वी के रूप में वे इंद्र थे। उन्होंने अर्जुन से वर मांगने को कहा। अर्जुन ने इंद्र से दिव्यास्त्र मांगा। इंद्र ने बताया कि पहले तुम भगवान शंकर से जाके पाशुपत अस्त्र प्राप्त करो, उसके बाद जितने देवता हैं तुम्हें ऑटोमेटिक तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान कर देंगे। अर्जुन ने तपस्या शुरू की और महीनों बीत गए, 4-5 महीना बीत गया। फिर हुआ यह कि एक दिन एक शिकारी एक सुअर के पीछे भाग रहा था। अभी दोनों हाथ एक साथ सुअर को लगे, दोनों बाण, और इधर ये जो थे अर्जुन उन्होंने भी बाण चलाए सुअर के ऊपर और दोनों बाण जो है सुअर को लगे। अर्जुन ने शिकारी से कहा कि मैंने उस पर बाण चला दिया था तो तुमने उस पर बाण क्यों चलाया। व्याध हंस बुरा बोला कि उसे तो मैंने पहले निशाना बना दिया था। अर्जुन को व्याध पर क्रोध आ गया और उसने व्याध पर तीर चला दिए, पर व्याध पर बाणों का कुछ असर ही नहीं हुआ। अर्जुन ने धनुष फेंक कर तलवार से आक्रमण कर दिया, तलवार भी टूट गई। अब अनेक प्रकार से इन्होंने उससे युद्ध करना शुरू कर दिया अर्जुन ने, पर व्याध पे कोई असर ही नहीं हो रहा था। व्याध ने भी अर्जुन से कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पूजा कर लो, इष्ट देव को बुला लो और पूजा करके अपनी शक्ति बढ़ा लो। अर्जुन ने पूजा करके जैसे ही शिव की मूर्ति पर माला चढ़ाई तो देखा कि जो माला है वो व्याध के गले में जाके पड़ गई। अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि व्याध के रूप में भगवान साक्षात शंकर खड़े हैं। शंकर ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दे दिया और बताया कि मनुष्यों पर इसका प्रयोग वर्जित है। अभी अर्जुन जो है ये सब प्राप्त करने के बाद वहीं पर कुछ दिन और तपस्या किया तो इंद्र के जो साथी थे मालती वो आए और रथ लेकर अर्जुन को स्वर्गलोक लेके गए। स्वर्गलोक में वहां पे जितने भी जो पाशुपत शास्त्र थे और जो दिव्यास वगैरह जो देवताओं ने उसको दिए थे वो सब उसने चलाना सीखा। अभी एक दिन दरबार लगा हुआ था और वहां पे अप्सरा उर्वशी उनपे मोहित हो गई अर्जुन के ऊपर और अर्जुन भी उसे बार बार देख रहे थे। तो इंद्र को ये लगा कि अर्जुन के मन में अप्सरा उर्वशी के प्रति कुछ प्यार का भाव जाग गया होगा। अभी एक रात अर्जुन सोए हुए थे तो उर्वशी आ गई। तो उर्वशी आ गई तो उर्वशी उनको चाहती तो थी। अब चूंकि इंद्र ने कहा कि तुम जाओ भाई वहां पे जाओ अर्जुन के पास, तो अर्जुन ने उनसे संभोग करने के लिए मना कर दिया और कहा कि आप हमारी माता के समान हैं।
तो वो कहे कि यहां जो भी स्वर्ग में आता है यहां कोई किसी की पत्नी नहीं होती है, अप्सराएं जो होती है सबके भोग के लिए होती है। पर वो नहीं माने और बोले कि हमने आपको हमेशा माता की तरह ही देखा है क्योंकि आप हमारी पूर्वज हैं। अभी ये हुआ कि उर्वशी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे ब्रहणला होने का श्राप दे दिया 1 साल के लिए। और वही ब्रहणला होगी जब श्राप दिया तो उनको बाद में अर्जुन को काम आया। अनेक वर्षों तक अर्जुन का समाचार न मिलने पर पांडव चिंतित रहने लगे। तभी नारद ने आकर उन्हें बताया कि वो शीघ्र ही महर्षि लोमेश के साथ आकर मुझसे मिलेंगे, तब तक आप देश भ्रमण तथा तीर्थ दर्शन कर लीजिए। कुछ दिनों बाद लोमेश ऋषि ने आकर अर्जुन का समाचार सुनाया। लोमेश ऋषि के साथ पांडव तीर्थों का दर्शन करने चल दिए। उन्होंने प्रयाग, वेद तीर्थ, गया, गंगा सागर तथा प्रवास तीर्थ के दर्शन किए। प्रवास तीर्थ से वे सिंधु तीर्थ होकर कश्मीर पहुंचे। यहां से हिमालय के सुबाहु राज्य पहुंचे और वहां से वे बद्रिका आश्रम भी। यहीं पर एक दिन सहस्त्र दलों वाला एक कमल उड़कर द्रौपदी के पास आ गिरा और द्रौपदी ने कहा कि यह कमल तो बहुत खूबसूरत है और मुझे ऐसे ही फूल चाहिए। तो भीम से उन्होंने फरमाइश की तो भीम वो फूल लाने के लिए चल निकले। और जब वो जा रहे थे तो उन्हें केले का एक वन मिला और केले के वन में उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी वहां बंदर के रूप में लेटे हुए थे बीच रास्ते पे। तो उन्होंने कहा कि भीम ने कहा भाई आप वृद्ध हैं, आप हट जाइए और हमें मैं आपको लांग कर जाना नहीं चाहता हूं। तो जो बंदर थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं तो हटा नहीं पाऊंगा, काफी वृद्ध हो चुका हूं, तुम हमारी पूछ को हटा दो और तुम रास्ता से चले जाओ। यहां पर भीम उनकी पूछ उठाते हैं और वो पूछ उठा नहीं पाते हैं तो समझ जाते हैं कि कोई दिव्य पुरुष है और उन्हें हाथ जोड़ लिया। बोले भाई आप कौन हो बताइए। तो बोलते हैं हनुमान जी कहते हैं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। और भीम ने हनुमान से माफी मांगी और प्रार्थना की कि आप मेरे भाई अर्जुन के नंदीघोष रथ की ध्वजा पर बैठकर महाभारत का युद्ध देखिए। हनुमान जी ने भीम की प्रार्थना स्वीकार कर ली। हनुमान ने भीम को कमल सरोवर का पता ही बता दिया। सरोवर पर पहुंचकर भीम ने फूल तोड़ने शुरू कर दिए तो सरोवर के राक्षस यक्षों ने उन्हें रोका। भीम राक्षसों को मारने लगे। जब सरोवर के स्वामी कुबेर को पता चला कि पांडव आए हैं तो प्रसन्नता से वहां के फूल पांडवों के पास भेजे। यहां रहकर पांडव अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद आकाश से एक रथ आया तथा अर्जुन उसमें से उतरे। पांडवों तथा द्रौपदी की प्रसन्नता का सीमा नहीं थी। उसके बाद वन में पांडवों को नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन ने एक योजना बनाई। कर्ण, शकुनी आदि के साथ अपनी रानियों को लेकर वन में पहुंचे। अब एक दिन दुर्योधन की इच्छा रानियों को लेकर सरोवर में स्नान करने की हुई। सरोवर के तट पर गंधर्वों का राजा चित्रसेन ठहरा हुआ था। दुर्योधन ने उसकी ओर की जमीन साफ करने के लिए और आदमियों को भेजा लेकिन चित्रसेन ने उन्हें वहां से भगा दिया। अब यहाँ पे चित्रसेन और दुर्योधन के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। अभी कर्ण वहां पे आते हैं और मतलब युद्ध शुरू हो जाता है। तो अभी कर्ण को जीतना तो बड़ा मुश्किल था तो चित्रसेन ने अपने लोगों को कहा कि कर्ण को जीतना बड़ा मुश्किल है, इसको तो कुछ हो नहीं, अस्त-शस्त्र इस पे बेकार है, तो एक काम करो इसको पकड़ के बांध दो, पकड़ लो और इसको हम लोग साथ में लेके चलते हैं क्योंकि अस्त-शस्त्र से तो ये होगा नहीं, तो इसे रस्सी में बांध देते हैं। अभी कर्ण को लगा कि अगर वो बंधक बना लिया गया तब तो इनकी हार निश्चित है और कर्ण वहां से भागते हैं और सेना को बुलाने के लिए। अब इधर जो चित्रसेन थे ये इन सबको लेके आगे बढ़ जाते हैं, इनको बंदी बना लेते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन को बंदी बनाने के बाद और सारी रानियों को लेके निकल देते हैं। अब ये लोग मदद की गुहार करते हैं तो भीम तो बड़ा खुश होता है कि चलो अच्छा हुआ। और जो युधिष्ठिर थे बोलते कि नहीं ये हमारे इज्जत का सवाल है। और यहाँ पे अर्जुन और भीम दोनों मिलके चित्रसेन से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को भी छुड़वाते हैं और सारी रानियों को भी छुड़वाते हैं, मतलब जो दासियां गई थी। और यहाँ पे काफी शर्मिंदा हो जाते हैं दुर्योधन। और जो चित्रसेन थे वो अर्जुन से फिर मित्रवत मिलते हैं। तो यहां तक जो था वो था वन पर्व। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि वन पर्व कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई दूसरी वीडियो की फरमाइश करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को हम पूरी कर सकें। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।
धन्यवाद।